हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ गाड़ी से, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग टू आवर होम टाउन। बठिंडा जा रहे हैं मेरे इन लॉज के प्लेस पे फॉर दिवाली। तो बीच में हम लोग रुकेंगे अभिषेक की सिस्टर के यहाँ पे फॉर अ डे, तो वो हिसार रहते हैं, तो वहीं हम स्टे करेंगे। मुझे नहीं पता मैं ब्लॉग कितना करूँगी, थोड़ा सा मुझे भी अनकम्फर्टेबल होता है सबके सामने करने में भी। आई एम इवन नॉट कम्फर्टेबल आस्किंग देम कि कैन आई कैप्चर देम। तो अब मैं उसको ऐसे ही रहने देते हैं एज ऑफ नाउ। होपफुली कभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सबके सामने और सबके साथ भी ब्लॉग कर पाऊँ। बट एनी वे, सो दिस इज़ द अपडेट एज ऑफ नाउ कि हम जा रहे हैं दिवाली के लिए। जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा मैं एडिट करके डाल दूंगी वीडियोस, देखूंगी ये भी कि कितना कैप्चर मैं कर पाती हूँ चीज़ें। अभी यही अपडेट है। कल मैंने पैकिंग की थी, कमर की इतनी बैंड बच गई है। कल पैकिंग की थी, बच्चे के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड सुबह भी मैं 7 बजे की उठ के लगातार लगी हुई हूँ, फिर वो भी देखना होता है कि बच्चा उठ ना जाए। तो इन्नी भी थोड़ा लेट उठी थी आज, 10 बजे अराउंड 10:15 उठी थी इन्नी। एंड जो हमारी हाउस हेल्प है उसको 9:30 आने के लिए बोला था, वो भी 10:30 आई है। तो या यही सब चल रहा है। तो करते करते हमें 12 बज गए थे निकलते निकलते। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना कि जो दिल्ली में वैसे ही ट्रैफिक बहुत रहता है, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। शायद सभी घर जा रहे हैं, तो क्योंकि दिवाली का वक्त है। वैसे आपको दिखाती हूँ कचरे के ढेरों के बारे में, जो दिल्ली में नहीं है या दिल्ली नहीं रहे हैं उनको मैं दिखाती हूँ कचरे का ढेर, जिसकी बहुत बातें होती है दिल्ली की कि हाँ दिल्ली में कचरे के ढेर है। तो देखिए डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई स्पेस नहीं है और इस तरीके से कचरे की ढेरियाँ लगी हुई हैं। वो देख रहे हो पहाड़, वो सब कचरे के पहाड़ है और उसके ऊपर आप देखो चीले कैसे मंडरा रही हैं भयंकर तरीके से। ये सब कचरे के ढेर है और मेरे को ऐसा कि यहाँ पे ना बीच बीच में घर भी हैं लोगों के, ऐसा लगता है कि कैसे लोग, बहुत हेल्थ इश्यूज होते होंगे लोगों को जो इनके आसपास रहते हैं। पहले देखिए ट्रैफिक के हाल, बहुत ट्रैफिक है। हमारी साइड भी बहुत ट्रैफिक है बट अभी चल पड़ा है भाई साहब। इतना ट्रैफिक है ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, ये पता नहीं कंस्ट्रक्शन दिल्ली में कब बंद हो, पुल वगैरह ये बनेगा ना तब जाके ये देखो यहाँ पे ना पुल बनना है और ये आधा बना के, ये देखो आधा बना के छोड़ देते हैं और इसकी वजह से एक रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि पूछो मत। हाय गाइस, अभी है नेक्स्ट डे, तो हम ओवरनाइट यहाँ पे रुके थे हिसार में। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बठिंडा। वी जस्ट निकले हैं हम, अराउंड 1/2 आवर होने वाला है हमें निकले हुए, पर इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है कि हम अभी सिटी से बाहर ही नहीं निकले हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। लगता है हर जगह अपना ट्रैफिक बहुत होने लगा है, सबके पास आई थिंक गाड़ियाँ हो गई हैं अब, और सब जो है दिवाली का टाइम है रोड पे आ चुके हैं, सब सबका शॉपिंग टाइम चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। ऐसे खिस खिस के गाड़ी चल रही है कि पूछो मत। ये देखिए पॉल्यूशन लेवल पंजाब में इतना ज्यादा हो रखा है, हर जगह ही हो रखा है, पंजाब दिल्ली NCR आपको पता ही है कंडीशन। बट ये देखिए कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, पता नहीं इस पॉल्यूशन से कब मुक्ति मिलेगी। क्यों जलाते हैं आई डोंट नो, उनको उनका भी कोई फायदा होगा बट जब ये मना है गवर्नमेंट की तरफ से तो दे शुड कंसिडर, बिकॉज ऐसे ही चलता रहा आई डोंट थिंक बहुत लंबे टाइम तक ह्यूमन जो है वो ये चीज़ डील कर पाएगा, बिकॉज पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी उसकी वजह से सेल्फिश रीजंस की वजह से बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली डेंजरस फॉर अदर्स बट इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर यू एंड योर फैमिली एज वेल। ऐसा कुछ मत करो कि जो आपके लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए और आपके देश के लिए नुकसानदेह हो, बिकॉज अल्टीमेटली आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा बट विद द टाइम आपके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी द सिचुएशन है उसकी, वी आर अबाउट टू रीच बठिंडा, थोड़ा सा ही रास्ता बचा बट रास्ता बहुत ज़्यादा टूटा हुआ भी है यहाँ पे। और अभिषेक ड्राइव कर रहे हैं, नी स्लीपिंग, मेरी
बैक में, गर्दन में इतनी ज़्यादा पेन है, हेडेक भी बहुत हो रहा था। मैंने पेन किलर भी ली है, रात में थोड़ी सी नींद भी अच्छे से नहीं आई, और ऐसे ही थोड़ा सा रहा है, हेक्टिक सा ही स्केड्यूल है। और थोड़ा सा बॉडी ना इज नॉट एबल टू टेक अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, तो थोड़ा सा इन्हीं भी इरिटेट हो गई थी कल, तो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। तो या मैंने पेन किलर ले ली है, बट ज़्यादा आई डोंट नो, मेरे को तो ऐसा लगता है मुझे पेन किलर्स भी वर्क करना बंद कर गई है, मैंने इतनी पेन किलर ले ली है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। हाय एवरीवन, सो अभी है नेक्स्ट डे, हम लोग बठिंडा पहुंच गए थे अच्छे से, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, दिवाली से एक दिन पहले का दिन है, और अभी हम लोग जा रहे हैं इन्हीं के लिए दिवाली ड्रेस लेने। थोड़ा बहुत बठिंडा की मार्केट दिखाऊंगी, ऑल्दो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, अभिषेक का हुआ तो अभिषेक दिखा देंगे थोड़ा बहुत, बट मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है बठिंडा के बारे में। ऑल्दो शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी तो नहीं 5 साल हो गए, बट स्टिल मैं ज़्यादा कुछ घूमी नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। या जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगी बठिंडा की मार्केट, एंड इन्हीं के लिए जो भी ड्रेस भी लेंगे वो भी, फॉर विच आई एम रियली एक्साइटेड। कहीं पे लाइट ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, धूप है, बीच बीच में धूप आ रही है। ऑल्दो यहाँ पे ना बारिश हो गई थी कल, मतलब हल्की हल्की, तो उससे ना काफ़ी हेल्प हो गई कि पॉल्यूशन थोड़ा सेटल डाउन हो गया, अदरवाइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था यहाँ पे भी। वही है जो दिल्ली NCR में है, वो पॉल्यूशन यहीं से जा रहा है, पंजाब हरियाणा से ही पराली जलाते हैं, तो उधर से ही पॉल्यूशन जाता है, तो या यहाँ पे भी वो दिख रहा था काफ़ी। और ये मेरे मुंह पे दो लाइटें भी बढ़ गई धूप से छाया वगैरह, तो या तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे सजा हुआ है ना, ये जो मार्क यहाँ पर ना अभिषेक, ये मैं तो मैरिज पैलेस है। अच्छा, कहाँ पे लगी है ये? है ना स्टेडियम। अच्छा, ये स्टेडियम है, मेरे को गलत लग रही है, ये स्टेडियम में ना पटाखों की मार्केट लगी हुई है, ये स्टेडियम है। यहीं से ले गए थे आप लोग कल? नहीं नहीं, वहाँ तो मैं वहाँ से ले गया। ये माल रोड है गाइस, ये बठिंडा की मेन रोड है, यहाँ पे ब्रांड्स के काफी शोरूम्स हैं, यहाँ पे भी पूरा ट्रैफिक है दिवाली के कारण, कल दिवाली है तो सभी शॉपिंग भी निकले हैं यहाँ पे, मोस्टली ब्रांड्स के शोरूम हैं। और एक बठिंडा की दूसरी मेन मार्केट धोबी बाजार है जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ लोकल शॉप्स हैं अच्छी, वहाँ ब्रांड्स कम मिलेंगे, बट ब्रांड्स की शॉप यहाँ पे ज़्यादा निकले, वहाँ पर मोची आ गया, रीबॉक, कलर प्लस, बहुत सारे ब्रांड्स, इंडियन टेरन, एलन सोली, रीबॉक, वैसे इधर तो हमेशा ही रहता है यार ट्रैफिक माल रोड पे, नहीं थोड़ा होता पर दिवाली कारण ज्यादा। सो हम जा रहे थे धोबी बाजार, वहाँ जाना हमने अभी कैंसिल किया है, रीजन बीइंग वहाँ गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे अंदर जाना, अंदर का बैरिगेट लगा रखे हैं, तो इन्हीं के साथ थोड़ा सा दिक्कत होगी, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है हर जगह, तो पार्क करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं कैप्सन्स, वहीं कुछ देख लेंगे इन्हीं के लिए। सो अभी हम लोग आए हैं फर्स्ट क्राई का स्टोर हमें दिखा है, वहाँ पे आए हैं कैप्सन्स एंड इन्हीं फुल मोड में है, तो अभी हम कैप्सन्स ढूंढ रहे थे बट हमें वो मिला नहीं, क्योंकि हर जगह इतनी भसड़ है ना, तो हम फर्स्ट क्राई का स्टोर हमें दिखा, अभी हम वहाँ जाएंगे, हो सकता है मॉल जाएं, क्योंकि दैट इज़ आर लास्ट ऑप्शन, फिर अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट्स में बहुत भीड़ है, एंड बच्चे के साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी है, प्लस गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे हैं तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो या चलिए फर्स्ट क्राई चलते हैं। लेनी है और इधर ऑप्शंस भी हैं काफी हैं, देख लो साइज, 6 to 9 लिया था ना हमने कि 9 to 12 लिया था, हमने 9 to 12 लिया था शायद, 6 to 9, 9 to 10। सो हम लोग निकल गए हैं फर्स्ट क्राई से, वहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं इन्हीं के लिए, एक ड्रेस भी ली है, अभी हम आए हैं कैप्सन, देखते हैं कैप्सन में कुछ मिलता है और, तो
अभी हम लोग कैप्सन से निकल गए हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ खास मिला नहीं। फर्स्ट क्राई के स्टोर पे तो फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हमने ली है इन्हीं के लिए, तो अभी चलते हैं किसी और जगह कुछ मिलता है तो। धोबी बाज़ार तो नहीं जा पाए, वहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। टू व्हीलर पे जाना जा सकते हैं वहाँ पे, बट टू व्हीलर पे इन्हीं के साथ इज नॉट पॉसिबल। या अभी यही सिचुएशन है, आप इन्हीं की बात सुनो पहले, मम्मा की बात में चुनना। सो अभी हम लोग आ गए हैं मित्तल मॉल, यही एक मॉल है यहाँ पे जो फेमस है आई थिंक, है ना, एक ही मॉल है ना, एक और पता नहीं, एक दो और चलते नहीं है, थिएटर ही चलते हैं, अभी चलते हैं चलते। ओके तो अभी हम लोग मित्तल मॉल आए हैं, लेट्स सी यहाँ पे कुछ मिलता है तो। सो ये इतना सा ही मॉल है, छोटा सा मॉल है। सो अभी हम लोग निकल गए मित्तल मॉल से, छोटा सा ही मॉल है, कुछ ज्यादा था नहीं। शूज वगैरह लिए हमने इन्हीं के लिए, फुटवेयर 2-3 पेयर्स लिए। या अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड होम। आई होप ये मेरा 3 दिन का कलेक्टिव ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी दिवाली।